हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रोकली की टिक्की। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, इसे आप नाश्ते में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा ब्रोकली है, ब्रोकली को हम काटेंगे। इस तरह से हम ब्रोकली को काटेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारे ब्रोकली को काटकर तैयार करेंगे। सारे ब्रोकली को हमने काट लिया है और डंठल को हमने हटा दिया है। अब इसे हम मिक्सी के बर्तन में डालेंगे और पीसेंगे। ब्रोकली को हमने पीस लिया है, देखिए इसी तरह से पीसना है। ब्रोकली को पीसते समय पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसे हम बोल में निकाल लेंगे। ब्रोकली को हमने बोल में निकाल लिया है। अब इसमें हम एक बड़ा गाजर ग्रेट किया हुआ डालेंगे, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, एक कप हरा धनिया पत्ता, एक बड़ा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, एक बड़ा चम्मच कूटा हुआ लहसुन डालेंगे, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक छोटी चम्मच चाट मसाला, जीरा पाउडर एक छोटी चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, आधा कप कॉर्नफ्लोर, तीन उबला हुआ आलू हाथ से मैश करके डालेंगे। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम टिक्की बनाएंगे। मिश्रण को थोड़ा सा हाथों में लेंगे। और इस तरह से हम टिक्की बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे टिक्की को बनाकर तैयार करेंगे और तेल में फ्राई करेंगे। टिक्की को फ्राई करने के लिए हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। टिक्की को हम मीडियम आंच पर अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। टिक्की को मीडियम आंच पर अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। एक साइड से हम पलट लेंगे। इसी तरह से हम सारे टिक्की को पलट लेंगे। टिक्की को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए टिक्की को भी फ्राई करेंगे। लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म ब्रोकली की टिक्की बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रेसिपी बनी है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।